क्लास फिफ्थ चैप्टर फाइव फ्रैक्शंस। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड। फर्स्ट ऑफ दे रखा आपको 3/5 डिवाइडेड बाय 5। सो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है। सो 3/5 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में। 1/5 इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 एंड 5 × 5 = 25। क्लियर? इसका बी 2/15 डिवाइडेड बाय 6। सो 2/15 मल्टीप्लाई 1/6 कट कर लेते हैं। 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 1/15 मल्टीप्लाई 1/3 1/45। ओके, इसका सी पार्ट 1 2/5 डिवाइडेड बाय 2। सो 1 × 5 + 2/5 डिवाइडेड बाय 2। 5 × 5 + 2/5 डिवाइडेड बाय 2। 5 + 2 = 7 डिवाइडेड बाय 2। 7/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, 7/10 आंसर। इसका डी पार्ट 2 1/7 डिवाइडेड बाय 15। 7 × 14 और 8 15/7 डिवाइडेड 15। 15/7 मल्टीप्लाई 1/15, 15 × 15 कट हुआ। सो हमारा आंसर आ गया 1/7। इसका एक ई पार्ट को देखते हैं। 19/5 डिवाइडेड बाय 38। 19/5 मल्टीप्लाई 1/38, 19 × 19 = 19, 19 × 30 = 34। 92 + 38, 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, 1/10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई 4/3 डिवाइडेड बाय 7/3। 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/7। 4 × 5 = 20, 3 × 7 = 21। इसका बी पार्ट 2 1/7 डिवाइडेड बाय 7/2। 2 × 7 = 14 और 15/7 मल्टीप्लाई 2/7, 15 × 2 = 30, 10 × 7 = 49। सी 6 2/3 डिवाइडेड बाय 4 1/5, 6 × 3 = 18, 19 × 20, 20/3 डिवाइडेड बाय 5 × 4 = 20, 21/5, 20/3 डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में 5/21, 25 × 100, 21 × 3 = 63। डी पार्ट 14/9 डिवाइडेड बाय 28/2। सो 14/9 डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में 2/28, 14 × 14, 42 × 28, 2 से ये 2 गया, 1/9 आंसर। इसका एक ई पार्ट भी देखते थे। 12/11 डिवाइडेड बाय 144/121। सो 12/11 चेंज हुआ 121/144, ये गया 12 टाइम, ये गया 11 टाइम। सो इसका आंसर आया 11/12। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व 18 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 3. सो 18 डिवाइड चेंज को मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 3. 18 3 से 54. इसका बी पार्ट 24 डिवाइडेड बाय 1 3 अपॉन 5. सो 24 डिवाइडेड बाय 5 5 6 7 एंड 8 8 अपॉन 5. 24 मल्टीप्लाई में चेंज हुआ 5 अपॉन 8. 8 में जा 8 8 जा 16 8 3 जा 24. सो 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 आंसर. इसका सी पार्ट 50 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4. सो 50 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 अपॉन 3. 54 जब 200 अपॉन 3. डी पार्ट 70 डिवाइडेड 1 अपॉन 2. सो 70 डिवाइडेड 2 वन जब 2 और 1 3 अपॉन 2. 70 मल्टीप्लाई में चेंज होकर हो जाएगा 2 अपॉन 3. 70 टू जब 140 अपॉन 3. लास्ट ई पार्ट 25 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 3. सो 25 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन 5. 5 5 जब 25 5 मल्टीप्लाई 3 15 आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द प्रॉपर्टीज. 91 अपॉन 41 डिवाइडेड बाय 1. सो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड करेंगे तो अगेन 91 अपॉन 41 प्रॉपर्टीज यूज हुई है. ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए. इसका बी 0 डिवाइडेड बाय 24 अपॉन 59. सो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा. प्रॉपर्टीज होगी 0 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 0. सी 17 अपॉन 42 डिवाइडेड बाय 17 अपॉन 42. सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा ही था 17 अपॉन 42 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 17. 17 कटोगे 42 से 42 कटोगे 1. ठीक है. डी 29 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 0. ठीक है. इसके लिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो कैन नॉट बी फाउंड. तो ये हमारा फाउंड नहीं हो सकता है जिसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइन. इसका ई पार्ट 3 1 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 0. सेम ये चीज है हमारे तो इसको भी हम लिख देंगे नॉट डिफाइन. एफ पार्ट 49 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 1. सो 1 से डिवाइड करेंगे अगेन हमारे पास 49 1 अपॉन 3 ही आएगा. जी पार्ट 39 अपॉन 17 डिवाइडेड बाय 39 अपॉन 17. सो अभी हमने इसमें देखा था इसका आंसर बनाया था सेम इसका भी आंसर आ जाएगा 1. एंड एच पार्ट 17 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 69 अपॉन 4. सो 17 4 जो 68 प्लस 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 69 अपॉन 4. 69 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 69 अपॉन 4. सो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास 1. क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. Now question number 5. Question number 5 is find the question. 7 divided by 3 upon 5.
सो 7 मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 3 7 5 इज 35 अपॉन 3 सो ये आंसर हो जाएगा 11 2 अपॉन 3 इसका बी पार्ट 3 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 21 3 2 जा 6 और एक 7 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 21 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 1 21 7 जा 147 देन 2 सो आंसर हो जाएगा 73 1 अपॉन 2 सी पार्ट 5 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 21 सो 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 10 7 जा 7 7 3 जा 21 5 जा 5 5 2 जा 10 3 अपॉन 2 सो ये हो जाएगा 1 1 अपॉन 2 डी पार्ट 5 5 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 6 5 6 जा 30 एंड 35 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 6 35 अपॉन 6 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन 5 6 से 6 कट 5 7 जा 35 सो आंसर इज 7 ई पार्ट 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 5 सो 3 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 3 3 से 3 कट हुआ 5 आंसर नाउ एफ पार्ट 6 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 3 अपॉन 8 6 टू जेड 12 और 13 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 8 बजे 8 9 10 11 11 अपॉन 8 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 8 अपॉन 11 2 1 2 2 4 8 13 4 52 then 11 सो आंसर होगा हमारा 4 8 अपॉन 11 जी पार्ट 83 डिवाइडेड बाय 83 सो 83 डिवाइडेड बाय 83 वन आंसर आएगा एंड लास्ट एच पार्ट 97 डिवाइडेड बाय 194 अपॉन 166 So 97 multiply 66 upon 194. 2 से कट कटे 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 9 जा 80 2 2 जा 4 then 2 9 जा 18 2 7 जा 14 So 97 multiply 33 upon 97. 97 से 97 कट करे आंसर आया 33. क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 5B कंप्लीट.